अच्छा अंकुर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमारा लेक्चर है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है बेसिस स्पीशीज की, और बेसिक को क्लासिफिकेशन पढ़ा है। उसके अलावा हमने किंगडम क्लासिफिकेशंस पढ़ी हैं कि कैसे कैसे किंगडम्स को 2 में 3 में 5 में डिवाइड किया गया। आज जो हमारा लेक्चर है वो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो मेनली वर्ड है, इसका मतलब ये निकलता है कि नेमिंग करना, किसी भी चीज़ की नेमिंग रखना। ठीक है, नेम रखना किसी भी चीज़ का। ठीक है, और जो बायोमीन का मतलब है, बायोमीन मतलब लाइफ होता है। ठीक है, और जिंदा जो चीजें हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नाम रखना। कौन से नाम? ये वो मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, मेथड, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द मेथड इन विच वी नेमिंग the organisms scientifically, or binomial nomenclature. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है, ये हमारे पास वो प्रोसेस है या वो मेथड है जिसमें हम जानदारों के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेशक वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, मतलब एनिमल्स की भी अलग कैटेगरीज आ जाती हैं, प्लांट्स की भी अलग कैटेगरीज आ जाती हैं। जितने जितने हम जान चुके हैं जिन प्लांट्स को और एनिमल्स को, उनके साइंटिफिक नेम रखे गए हैं। ठीक है, उनको साइंटिफिकली जाना जाता है, साइंटिफिक नेम रखे गए हैं, उस तरीके को हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। वो मेथड जिसमें हम जानदारों के साइंटिफिक नेम रखते हैं या साइंसी नाम रखते हैं, उनको हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोल देते हैं। ठीक है, जो साइंटिफिक नेम होता है ये 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, 2 मतलब इसमें वर्ड्स यूज किए जाते हैं। एक होते हैं जीनस, और जो दूसरा नेम होता है वो स्पीशी का नेम होता है। ठीक है, मतलब एक जो है वो जीनस का नेम होगा, 2 नेम्स पे मुश्तमिल है। ठीक है, एक जीनस का नेम, दूसरा स्पीशीज का नेम। कैसे? अब जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस। अब होमो जो है यहाँ पे, ये हमारे पास जीनस है, और जो स्पीशी है ये हमारे पास, सॉरी, जो सेपियंस है ये हमारे पास स्पीशी है। ये जो मेथड था होमो सेपियंस, ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। इसको जो होमो है ये जीनस है, जो स्पीशीज है, सॉरी, जो सेपियंस है वो स्पीशीज है। ठीक है, ये जो मेथड है ये स्वेडिश के एक थे बायोलॉजिस्ट, जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, कार्लस लिनियस इनका नाम था, उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करवाया इस मेथड को। ठीक है, जीनस और स्पीशी वाले के मतलब एक ऑर्गेनिज्म है उसके जो नाम है वो इटैलिक वर्ड्स में, ठीक है, इटैलिक जो लैंग्वेज है उसमें इनके नाम रखे गए हैं। ठीक है, जिसमें एक जो है जीनस का नाम है, दूसरा हमारे पास स्पीशीज का नेम है। ठीक है, इसी तरह जब हम हैंड राइटिंग के साथ, ठीक है, हाथ के साथ लिखते हैं, या हमें लाइनें लगाई हैं नीचे, जब हाथ के साथ लिखते हैं हम हैंड राइटिंग में, तो क्या होता है, इटैलिक वर्ड्स को हम होमो सेपियंस है तो इसके साथ हम अंडरलाइन कर देते हैं, इनको इनके नीचे लाइन लगा देते हैं, इसके पता चल जाता है कि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो इसके अलावा जो होमो सेपियंस है इसमें जो एच होगा ये हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, ये कैपिटल यूज होगा, जो और जो सेपियंस होगा इसका जो एस होगा, ठीक है, सेपियंस का एस जो है ये हमेशा जो है वो स्मॉल यूज होगा। ठीक है, तो इसका ये कैपिटल और ये स्मॉल। ठीक है, इसके अलावा जो है हम देख लेते हैं कि इसकी हम एब्रिगेशन कर देते हैं। कैसे एब्रिगेशन कर देते हैं? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया का नाम है कैपिटल ई ले लेंगे, और इसके बाद ये जो कुलाई है ये लिख देंगे। ठीक है,
मतलब ये इसकी एब्रीवेशन बन गई ई कोलाई, ठीक है। तो इसके एब्रीवेशन से हमें क्या पता चला कि जब हम बार बार एक ही साइंटिफिक नेम रिपीट हो रहा होता है तो उसको हम एब्रीवेट कर देते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एग्जांपल दी होमो सेपियंस की और जीनस ऑफ स्पीशीज की। अब हम इसकी इंपोर्टेंस देखते हैं कि इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ठीक है, जो साइंटिफिक नेम हमें रखे हुए हैं। साइंटिफिक नेम जो है ये बेसिकली क्यों रखे गए हैं, ठीक है। वैसे भी तो है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के, अब ये जो होमो सेपियंस रखा गया है तो इसको ह्यूमन भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, इसकी वजह यही है कि मुख्तलिफ किस्म के अब दुनिया में कितने ज़्यादा कंट्रीज हैं, ठीक है, मतलब हर जो कंट्री है उसमें मुख्तलिफ किस्म की, डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, ठीक है। उन जबानों के लिहाज से वहाँ पे जो पाए जाने वाले बशिंदे हैं, वहाँ बशिंदे कहते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनकी जो जबानें हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, ठीक है, वो इसलिए वो एक ही चीज़ को मुख्तलिफ मुख्तलिफ नाम रख देते हैं। तो अब मुख्तलिफ मुख्तलिफ नाम रखने की वजह से ये कंक्लूजन हो रही थी कि कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही थी कि मतलब ये भी नाम इसी चीज़ का है, ये भी नाम इसी चीज़ का है, इसीलिए उसने ये तरीका इंटरनेशनली तौर पर मुतारफ़ करवाया कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके हम साइंटिफिक नेम रखें, ठीक है। ये जो साइंटिफिक नेम होता है ये ऑल वर्ल्ड सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। मतलब अब हमारे पाकिस्तान में जो हमारे पास जैसे कि ऑनियन होता है, ऑनियन को कोई प्याज बोलता है, ठीक है, कोई वैसा बोलता है, कोई वैसा बोलता है, मतलब मुख्तलिफ किस्म के उनके नाम हैं। इसी तरह हमारे पास जो स्टार फिश होती है, हालांकि वो फिश की कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन उसको स्टार फिश बोला जाता है, ठीक है। तो जो हमारे पास इसकी अहमियत ये बनती है, यही है कि जो जितने भी हमारे पास, अब जो ऑनियन की हम एग्जाम्पल ले रहे थे कि जो ऑनियन होता है इसकी हमारे पास इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एलिम सीपा, ठीक है, ये इसका क्या है साइंटिफिक नेम है, ठीक है, एलियम सीपा। तो एलियम जो है इसमें क्या है, ये हमारे पास जीनस है और जो सीपा है ये हमारे पास स्पीशी है, ठीक है। तो अब इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एलियम सीपा है। ये ऑल वर्ल्ड जितने भी दुनिया है, जितने भी कंट्रीज हैं दुनिया में पाए जा रहे हैं, उन सभी के सब में जो है ऑनियन का जो नेम है वो एलियम सीपा बोला जाता है, ठीक है, मतलब जो साइंटिफिकली नेम है, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो नाम बोला जाता है वो एलियम सीपा बोला जाता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे कि इसका इंग्लिश नेम इंग्लिश में ले लेते हैं, इसको ऑनियन बोल देते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान है यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के नेमिंग इसकी की जाती है, ठीक है, इसको प्याज बोला जाता है उर्दू जबान में, क्योंकि और इसके अलावा बासल बोलते हैं, वैसल बोलते हैं, मतलब कई तरह के इसके नाम रखे गए हैं, ठीक है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है हमारे पास एलियम सीपा है। हमने देखा बाइनोमियल लिटरेचर क्या होता है, ठीक है, वो मेथड जिसमें हम जानदारों के साइंटिफिकली नेम फॉर्म करते हैं या नाम रखते हैं, उस मेथड को हम बाइनोमियल लिटरेचर बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें नेमिंग की जाती है। इसके अलावा प्लांट्स होते हैं हमारे पास, जानदार कौन कौन से प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जो जो चीज़ हमने इंट्रोड्यूस कर ली है, उसको पब्लिश करवा दिया है, उन सबके जो है वो साइंटिफिक नेम रखे गए हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम हमने देखा कि दो इसको मुश्किल होता है, कि जीनस होता है, स्पीशी होता है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस है, होमो ही हमें जीनस है, और जो हमारे पास सेपियंस है वो स्पीशी है। इसी तरह हमने एग्जाम्पल ली है बैक्टीरिया की, ठीक है, बैक्टीरिया जो है इसकी एब्रीवेशन कर दी जाती है, ठीक है, ई लिख दिया जाता है, मतलब जो फर्स्ट वाला नेम है उसकी एब्रीवेट करके उसको उसका सिर्फ एक कैपिटल लेटर लिख दिया जाता है, और नेक्स्ट जो स्पीशी का नेम है वो साथ लिख दिया जाता है, ठीक है, तो इसकी एब्रीवेशन कर दी जाती है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जब हैंड राइटिंग से, हैंड से जब लिखना होता है किसी भी चीज़ का साइंटिफिक नेम, साइंसी नाम, तो हम उसके साथ अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है, उनको लाइनें लगा देते हैं ताकि ये पता चल सके कि ये साइंटिफिक नेम है किसी भी चीज़ का। ये साइंटिफिक नेम जो है वो हम इसलिए रखते हैं क्योंकि मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पे एक ही चीज़ को मुख्तलिफ तरह से बोला जा रहा होता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम जो है वो ये ऑल चीज़ों को कवर कर लेता है, क्योंकि ऑल वर्ड सिर्फ साइंटिफिक नेम जो एक हम रख देते हैं वही चलता है, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड ऑल टू ऑल बायनोमियल क्लेचर। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक्स।